ओम अहम् सुगुरु शरणम् विघ्नहरणम् सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम परम पूज्य आचार्य श्री महाशक्ति के चरणों में शत शत हम आज की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे साथ जतन जी जो हमारे आज के ट्रेनर है जुड़ चुके हैं। मैं जतन जी से निवेदन करता हूँ कृपया त्रिपदी वंदना के साथ क्लास प्रारंभ करें। त्रिपदी वंदना सभी साधक साधिकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। अब हम त्रिपदी वंदना से क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले वंदनासन में आते हुए दोनों हाथ आनंद केंद्र जुड़े हुए पूरा श्वास भरेंगे। वंदे अरहम श्वास भरते हुए वापस सीधे वंदे गुरुवरम श्वास भरते हुए सीधे वंदे सच्चम हम लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। पहले शरीर में चुस्ती और फुर्ती लाने के लिए वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। वार्म अप के लिए पहले जॉगिंग। कदम ताल धीरे धीरे फिर थोड़ा फास्ट करते हुए फिर दोनों साइड पैरों को ले जाते हुए
आगे पीछे, धीरे धीरे वापस कदम ताल करते हुए, रिलैक्स। अब अगली क्रिया करेंगे भस्त्रिका की क्रिया। लंबा श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए अगलिया में क्लैपिंग करते हुए दोनों पैरों को फैलाते हुए, एक दो, 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 फास्ट। रिलैक्स, रिलैक्स। अब शरीर में चुस्ती फुर्ती गर्मी आ गई है, उस गर्मी और शरीर में जो चुस्ती फुर्ती आई है उसको संयत करने के लिए संपादासन की क्रिया कर लेंगे, ताकि जो एनर्जी हमारे शरीर में बनी है उसका सदुपयोग हो जाए। दोनों हाथ आनंद केंद्र है, दोनों हाथ गंगा के पास सटे हुए, नजरें किसी एक स्थान पर केंद्रित कर लीजिए, एक तक देखते हुए, अपलक, बिना पलक झपकाए, एक तक देखते हुए, त्राटक का भी अभ्यास हो जाता है। कोशिश करें जितने देर ज्यादा से ज्यादा रुक सकते हैं बिना पलक झपकाए। रिलैक्स, रिलैक्स। संपादासन के बाद अब हम लोग खड़े खड़े आज कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें से सबसे पहले अपन करते हैं दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ जंघा के पास सटे हुए। पहला आसन कर रहे हैं अपन उत्तान पादासन, नहीं सॉरी, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पादहस्तासन आसन का नाम है, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर ले जाएंगे, हथेलियां ऊपर की ओर खिंचाव देते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, मेरुदंड सीधा रखते हुए आएंगे, उकड़ू नहीं आएंगे, मेरुदंड सीधा रखते हुए आएंगे और
दोनों पैरों के अंगूठों को छुएंगे, नजरें सामने सामने नहीं रखे तो अपने नाक से पैरों के घुटनों को छूने की कोशिश करेंगे या मस्तिष्क लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ जंघा के सामने। दो राउंड और करेंगे, सभी साथ में करें। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स रिलैक्स। पादहस्तासन के बाद अगला आसन अर्धचंद्रासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ये पोजीशन श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे की ओर जितना झुक सकते हैं नीचे झुक जाइए, श्वास भरते हुए सीधे। दो राउंड और करेंगे। एक, दो, एक, दो। रिलैक्स। अब हम अगला आसन करेंगे कमर के लिए। दोनों हाथ जंघा के पास सटे हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ये पोजीशन में ले लीजिए। श्वास पूरा भर लें और पहले क्लॉकवाइज गोल राउंड देंगे कमर का। कमर में पूरा गोल राउंड, विपरीत दिशा में। रिलैक्स रिलैक्स। अब अगला आसन जो ले रहे हैं अपन, श्वास भरते हुए राइट हैंड कान के पास सटा हुआ एकदम शेट कोनासन। इसमें नो पैर आपके मिले हुए रहेंगे, राइट हैंड कान के पास सटा हुआ, लेफ्ट साइड में टर्न लें, धीरे धीरे आना है जितना आ सकते हैं। राइट हैंड आपका जंगा के पास सटा रहे और धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप। रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, कान के पास सटा हुआ हाथ रहेगा, एकदम कोहनी सीधी रहे, राइट साइड में टर्न लेना है। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन,
श्वास भरते हुए अप, रिलैक्स। कोणासन के बाद अगला आसन करेंगे अपन त्रिकोणासन। त्रिकोणासन दो प्रकार से करते हैं अपन। तो पहला प्रकार में दोनों पैरों को जितना फैला सकते हैं फैला लीजिए, एक से डेढ़ फुट दो फुट की दूरी लगभग रहनी चाहिए। दोनों हाथों की ये पोजीशन, कंधे के समानांतर दोनों हाथ फैले हुए। एक में श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और नजरें ऊपर वाले लेफ्ट हैंड के अंगुलियों पे, ये पोजीशन। श्वास भरते हुए सीधे, फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को छुएंगे और नजरें राइट हैंड के अंगुलियों पर, श्वास भरते हुए सीधे। अब आप लोग मेरे साथ करेंगे, दो राउंड और करेंगे अपन। एक, झुकेंगे और रुकेंगे, नजरें ऊपर वाले हाथ पे अंगुलियों पे, राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा छूते हुए, दो में श्वास भरते हुए सीधे। तीन में लेफ्ट हैंड से राइट पैर का अंगूठा छुएंगे, नजरें ऊपर हाथ पे अंगुलियों पे, श्वास भरते हुए सीधे। एक, दो, तीन, चार, रिलैक्स। त्रिकोणासन दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार में दोनों हाथ पहले जंघा के पास, जितना आप फैला सकते हैं पैरों को फैला लीजिए। राइट पैर लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, राइट पैर को तिरछा कर लीजिए। तिरछा करते हुए लेफ्ट हैंड श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे कान के पास सटा हुआ, कोहनी एकदम सीधी रहे, कान से अलग नहीं करना है। राइट को घुटने के सामने से घुटने को बेंड करते हुए ले जाना है और जमीन पे चिपका देना है। राइट हैंड की हथेली घुटने पैर के सामने, राइट पैर के सामने, लेफ्ट हैंड कान के पास सटा हुआ, कोहनी एकदम स्ट्रेट सीधी। इस पोजीशन में कुछ देर रुकना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे। एक राउंड और करेंगे इसी हाथ से। लेफ्ट हैंड श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड घुटने को फोल्ड करते हुए धीरे से घुटने के सामने से ले जाते हुए पैर के सामने, हथेली जमीन पे चिपकी हुई, लेफ्ट हैंड कान के पास सटा हुआ, कोहनी एकदम स्ट्रेट, पूरा हाथ स्ट्रेट। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे, रिलैक्स। अब यही क्रिया, राइट हैंड श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट पैर को तिरछा कर लेंगे, लेफ्ट पैर के घुटने को फोल्ड करते हुए घुटने के सामने से लेफ्ट हैंड की हथेली को जमीन पे चिपका देना है। राइट हैंड कान से सटा हुआ, कोहनी एकदम सीधी रखते हुए, ये पोजीशन, नजरें सामने। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं। एक राउंड और। एक, दो, तीन, चार, रिलैक्स, रिलैक्स। त्रिकोणासन
बहुत फायदेमंद आसन है जिनके मुहासे होते हैं बाल्यावस्था में, उनके लिए तो बहुत ही, किशोर अवस्था में जिनके मुहासे होते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया आसन है ये। इससे मुहासे नहीं होंगे रेगुलर अभ्यास करने से, और चेहरे का सौंदर्य भी बढ़ता है। अब हम लोग अगले आसन करेंगे, बैलेंसिंग आसन। बैलेंसिंग आसन में सबसे पहले वृक्षासन, दोनों पैर दोनों हाथ जंघा के पास, शरीर एकदम स्ट्रेट सीधा, राइट पैर को ऊपर उठाते हुए लेफ्ट पैर की जंघा के पास ऊपर, जितना ऊपर आप सटा सकते हैं सटा लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए वंदन मुद्रा में ऊपर जोड़ देंगे। ट्री पोज वृक्षासन आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाते हुए, पैर को नीचे लेते हुए रिलैक्स मूवमेंट। अब यही क्रिया लेफ्ट पैर से करना है, लेफ्ट पैर को होल्ड करते हुए ऊपर ले लेंगे, जंघा के पास सटा लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे, दोनों हाथ कान से सटते हुए एकदम स्ट्रेट। कम से कम 15 सेकेंड से अभ्यास करते करते इस आसन में आप 1 मिनट 2 मिनट जितना ज्यादा से ज्यादा रुक सकते हैं, रुकने की कोशिश जरूर करना है, जबरदस्ती किसी भी आसन के साथ नहीं करेंगे, अपना शरीर अपने साथ है, जिसको जितनी सुविधा से आप उसको कर सकते हैं आसन को करेंगे। धीरे धीरे वापस पैरों को नीचे लाएंगे, दोनों हाथों को वृक्षासन ट्री पोज। उसके बाद अगला बैलेंसिंग आसन है वो है नटराजासन। नटराजासन के लिए दोनों पैर की एड़ियां पास पास मिली हुई, पैर पूरा आपका बाहर की ओर, ये पोजीशन। अब दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए नमस्कार मुद्रा में, और एड़ियों को ऊपर उठाते हुए पैरों को फैलाते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, मेरुदंड सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर जाएंगे, एड़ियों को नीचे लेते हुए बार और सब करेंगे इसी मुद्रा का। 1 आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, कोई भी आसन जो कर रहे हैं आप, जितना आपका शरीर साथ दे वहां तक करना है, कोशिश जरूर करते रहना है। आते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, एड़िया नीचे लेते हुए पैरों को नीचे करना। एक राउंड और कर लेते हैं। 1
दो रीडिंग्स। अब नटराज आसन का अगला पार्ट, दोनों पैरों में पहले फासला थोड़ा सा, राइट पैर को सामने ले लेंगे, लेफ्ट पैर को पीछे से उठाते हुए हो सके जितना ऊपर ले सकते हैं लेने की कोशिश करेंगे, राइट हैंड सामने रिलीज ऊपर की ओर, ये पोजीशन। चले हनुमान पहाड़ लेके वाला पोज बनाते हुए रिलैक्स। एक बार और अभ्यास करें इसी पैर से, रिलैक्स। अब दूसरे पैर से राइट पैर को पीछे से उठाते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर आसमान की ओर, हथेली खुली हुई ये पोजीशन में कोशिश करेंगे जितना रुक सकते हैं रुकने की, बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, बैलेंसिंग आसन है तो बैलेंस के हिसाब से धीरे धीरे वापस रिलैक्स करते हुए। एक बार और करेंगे सभी मेरे साथ, रिलैक्स। अब अगला आसन करेंगे अपन महावीर आसन, दोनों हाथों की तरफ पीछे लॉक कर लेंगे, दोनों पैर सामने, दोनों पैरों में हंसला 1 से 1.5 फुट, उसी अंतराल से पैर को राइट पैर सामने ले लेंगे, राइट पैर के घुटने को फोल्ड करते हुए कोशिश करना है आपको, आपका नाक जो है या मस्तिष्क घुटने तक तो लगना ही चाहिए, और अगर आप लगा सकते हैं तो जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे, आसनों में क्या है रुकेंगे ना तभी उसका फायदा बेनिफिट मिलेगा पूरा, धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, दोनों पैरों को वापस फैलाए रखें। इस बार अपन ने राइट पैर सामने लिया था, अब लेफ्ट पैर सामने लेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, हो सके तो आप मस्तिष्क तो घुटने तक लगा ही लें, और ज्यादा अगर आप झुक सकते हैं तो ललाट को जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे, रिलैक्स रिलैक्स। अब अगला आसन है हस्तिसुंडिकासन, हस्तिसुंडिकासन अभी कोरोना काल का जो समय चल रहा है उसके हिसाब से अपने को अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है और साथ ही साथ जिनका कमर में पेट में चर्बी जमी हुई है उसको भी दूर करने के लिए इसके 27-27 के 4 राउंड में अगर 108 की पूरी कर लेते हैं अपन तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है, लेकिन एक साथ कभी मत कर लेना नहीं तो दूसरे दिन आप अभ्यास करने के लायक नहीं बचोगे। हाँ जिनको हैबिट हो गई है वो कर सकते हैं, अन्यथा आप ध्यान रखते हुए, और जिनको स्पाइनल कोड मेरुदंड में अगर कोई तकलीफ है वो सामने झुकने वाले ये कोई भी आसन नहीं करे, उनके लिए सिर्फ पीछे झुकने वाले आसन जैसे अर्धचंद्रासन है और कई आसन है तो पीठ के बैठ के काले आसन है वो कर सकते हैं, बाकी सामने झुकने वाले
ये आसन उनको अवॉइड कर देना चाहिए। अब हम लोग हस्ती सुंडिकासन के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों हाथों को लॉक करते हुए मुट्ठी आपस में मुट्ठी बनाते हुए ये पोजीशन दो पैरों जितना फासला कर सकते हैं श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे हाथों को और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस हमें भी अपना तीव्र गति से दौड़े जा रहा है। अब हम और आसन तो बाकी बहुत है लेकिन अभी मर्यादा में रहते हुए समय की अगला आसन कर रहे अपन वो है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, मेट के सामने के भाग पे आ जाएंगे। पहले पोजीशन ले लें, ये पोजीशन नमस्कार मुद्रा में हो जाएंगे। अब एक में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और अर्धचंद्रासन। दो में श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, पादहस्तासन। तीन में एक पैर राइट पैर या कोई सा भी एक पैर दोनों हथेलियों के बीच में, आपका पैर जो है दोनों हथेलियों के बीच में ये पोजीशन रहनी चाहिए। घुटना 90 डिग्री के कोण में, दोनों पैर पीछे, कसरपट्टी की स्थिति। शशांकासन, सामने आते हुए हिप्स ऊपर ठुड्डी जमीन पे ये पोजीशन। श्वास भरते हुए दोनों सीने तक का भाग ऊपर उठाते हुए भुजंगासन। पर्वतासन, कोशिश करें अगर आपकी एड़ियां जमीन पे टच हो जाती है तो जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे। जबरदस्ती कोई भी आसन के साथ नहीं करना है, जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार कोशिश करते रहें। वापस शशांकासन, दोनों हथेलियों के बीच में एक पैर लेते हुए, फिर दोनों पैरों को बीच में लेते हुए पादहस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, अर्धचक्रासन, रिलैक्स। अब गिनती के साथ कर लें सभी, एक दो तीन चार
पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। एक राउंड और कर लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। रिलैक्स। अब आखिरी आसन ताड़ासन। दोनों एड़ियां मिली हुई, पंजे वी के शेप में खुला हुआ, ये पोजीशन। पैरों की दोनों हाथों को लॉक करते हुए पलटा देंगे नीचे की ओर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए एड़ियां ऊपर उठाते हुए साथ में मूल बंध भी लगा लेंगे। इस पोजीशन में जितनी देर रुक सकते हैं, क्योंकि आसनों में रुकने से ही फायदा ज्यादा होगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे, फिर हाथों को खोलते हुए दोनों हाथ नीचे, वापस पोजीशन। एक, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। दो, एड़ियां ऊपर पंजों के बल आ जाएंगे, साथ में मूल बंध लगा लेंगे। मूल बंध खोलते हुए एड़ियां नीचे, दोनों हाथ नीचे। आखिरी राउंड। एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स। अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। पूरी तरह रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। धन्यवाद जतन जी, आपने खड़े होकर काफी आसन बहुत ही अच्छे तरीके से बताए। अब हम दो मिनट अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम दो मिनट। अनुलोम विलोम के लिए तैयार हो जाएं। ज्ञान मुद्रा का पोस्चर, राइट हैंड से अंगूठे से नोज को, राइट नोज को बंद करेंगे तर्जनी ललाट पे, मध्यमा लेफ्ट नोज के पास रखते हुए ये पोजन बना लेंगे। लेफ्ट से पूरा श्वास खाली कर देंगे, वापस लेफ्ट से श्वास भरें। लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से श्वास खाली करेंगे, वापस राइट से श्वास भरें। राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से खाली करेंगे। ये एक राउंड हुआ। इसी तरह पांच से सात राउंड करेंगे हल्के कुंभक के साथ। Thank you.
रिलैक्स, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए संकल्प शुद्ध। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अर्हम। जोश में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जोश में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जोश में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने समय निकालकर अभ्यास नियमित इस क्रम में नियमित जुड़े रहे और रेगुलर अभ्यास करते रहे। योगाभ्यास नियमित करेंगे तो ही फायदा है। एक दिन करेंगे और फिर बाद में 5 दिन नहीं करेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो नियमित अभ्यास करें जितना आपसे हो। हमारा समय आपका संपन्न हो रहा है। कल ठीक इसी समय हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे हम इजाजत लेते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।